सभी ने बचपन से लेकर अब तक कई बार महाभारत के बारे में सुना, उसकी कथा सुनी भी है, उसकी कथा को देखा भी है। उसमें हमें घोर युद्ध दिखाया जाता है, आहार प्रहार का सिलसिला दिखाया जाता है। और उन्हीं युद्ध में एक युद्ध था जहां पांडवों का सामना हुआ था महादेव से, जिसके प्रसंग के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। कैसे हुआ था ये युद्ध और किस वजह से हुआ था, आज तथास्तु की इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के वध के बाद अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंच गया था। वहां पर वो इतना क्रोधित था कि उसने पांडवों के सभी पुत्रों का अंत कर दिया था। इसके लिए उसने महादेव से प्राप्त तलवार का इस्तेमाल किया था। जब पांडवों को इस तलवार और महादेव के संबंध के बारे में पता चलता है तो वो काफी क्रोधित हो जाते हैं और महादेव को अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मानने लगते हैं। वो निश्चय कर लेते हैं महादेव से युद्ध का। वो महादेव का बार बार आवाहन करते हैं और कुछ देर बाद महादेव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। पांडव महादेव पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। वो तीर चलाते हैं पर कुछ फायदा नहीं होता। उसके बाद उनके पास जितने भी दिव्य अस्त्र होते हैं वो एक एक कर कर महादेव पर वो सब चला देते हैं, पर वो सभी दिव्य अस्त्र महादेव के अंदर समा जाते हैं क्योंकि महादेव को कोई भी अस्त्र नहीं मार सकता। युद्ध आगे बढ़ने लगता है, तभी श्री कृष्ण पांडव और महादेव के बीच में आ जाते हैं और वो पांडवों को समझाते हैं। पांडव माफी मांगते उससे पहले ही महादेव काफी क्रोधित हो चुके थे और उन्होंने पांडवों को कह दिया था कि अभी उन्हें महादेव पर प्रहार करने की और अपने भाइयों की हत्या करने के पाप का प्रायश्चित करना होगा, वो भी इसी पृथ्वी पर, वरना उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पांडवों ने कई साल कष्ट से कई साल गुजार दिए। उन्होंने कई बार महादेव का आवाहन भी किया, महादेव को याद भी किया, परंतु महादेव उनके सामने नहीं आए। फिर एक दिन पांडव अपनी स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए और वहां पर महादेव उनसे मिले। उन्होंने पांडवों को उनके सभी कर्मों से मुक्त कर दिया। पांडवों का स्वर्ग तक ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां महादेव उनसे मिलेंगे, परंतु महादेव है ही भोले भंडारी, वो पांडवों से मिले और पांडवों का ये सफर काफी कठिन था। यदि आप इस सफर के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे जुड़ी सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। महादेव से जुड़ी ऐसी और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए तथास्तु के साथ।